नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी से मैंने कहा था कि इस वीडियो पे आप लोग जो कमेंट करेंगे, यानी कि लास्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो ये मेरी आज की लास्ट वीडियो और ट्रस्ट मी रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। जितने कमेंट्स हैं उतने ही लाइक्स हैं, यानी कि कमेंट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं लाइक्स के, 50 कमेंट्स 50 लाइक्स। हालांकि ये बहुत कम रेशियो आया है, बट ठीक है, सिमिलर है। यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके साथ इन 50 में से 8 स्टॉक्स के बारे में, जो कि मुझे लिटरली लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास होंगे। देखिए, कमेंट जो आते हैं मेरे पिक करने के जो रीजन होते हैं वो ये होते हैं कि भाई जिन स्टॉक्स में मुझे लगता है लोगों का ज्यादा निवेश हो सकता है, ज्यादा लोगों के पास हो सकते हैं, मैं वो पिक करता हूँ। तो सिंपल सा रीजन है, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं, आपने वैसे तो थंबनेल में देख ही लिए होंगे, फिर भी एक बार रिपीट कर दूं। सिप्ला, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूपीएल यानी यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, रिलायंस, CDSL, यस बैंक, हिंडालको एंड HDFC बैंक। सबसे पहले सिप्ला के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली कंपनी के नंबर्स भी आए थे और नंबर्स के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ था। 922 पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पज से फार्मा स्टॉक्स में मैंने हमेशा 3 स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, सिप्ला, डिवीज लैब एंड एबॉट इंडिया। तो सिप्ला अभी उनमें से एक है जो कि नीचे लेवल्स पे मिल रहा है, और डिवीज लैब तो बहुत ही नीचे मिल रहा है, बहुत अच्छा लेवल्स है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अभी अगर सिप्ला की बात करें तो टेक्निकली कुछ ज्यादा खास साउंड नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है अगर किसी के पास स्टॉक है तो बने रहे, कोई इशू नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस में पैसा बना देगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो जिसके पास है वो स्टॉप लॉस रखे 900 रुपीज का। 900 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप बने रहे। ऊपर में स्टॉक दोबारा 952-960 रुपीज के लेवल्स दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्पस में 1150 रुपए तक के लक्ष्य आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। कमेंट्स बहुत ही सिंपल था कि भाई मैं लेना चाहता हूँ, मुझे लेवल बता दो। तो मैंने आपके साथ शेयर करा था स्टॉक 770 रुपीज पे बाय करने के लिए, इनफैक्ट 763 पे शेयर करा था। अभी 805 का हो गया है। 18th मई को नंबर्स आने हैं और नंबर्स के बाद ये दोबारा आपको गिरता हुआ दिख सकता है, तो आपको मौका मिलेगा। 18th मई को नंबर आने हैं, उसके बाद गिर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, UBL के नंबर आए थे, खराब आए थे, ठीक है, यूनाइटेड ब्रेवरीज के वो भी गिरा था। अभी हमने एक सुला विनियार्ड्स के भी नंबर आई थिंक खराब आते हुए दिखे थे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे UBL का याद है। तो इस स्टॉक के नंबर भी मे बी खराब आ सकते हैं, और खराब आते हैं तो गिरावट होती है, आपको लेने के मौके ढूंढने। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक का टारगेट मेरी तरफ से आपको मिनिमम 1000 और 1500 रुपए तक भी जाएगा। ये स्टॉक 3 से 5 साल में डबल की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसके प्राइस टू अर्निंग्स को कंपेयर करोगे इसके अर्निंग्स के साथ तो बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको। और इसी के तर्क पे मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट और पोर्टफोलियो पिक में मैंने आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो में बता रखा है पूरी डिटेल में, तो इस स्टॉक को लेकर बैठे रहूं। डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब मैंने आपके साथ स्टॉक शेयर करे थे तो मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है मेरे पास भी हो। अभी भी यही कहूंगा कि मैं आगे फ्यूचर में ले हूं, या फिर मेरे पास ऑलरेडी है, या फिर मैं इसको कभी भी खरीद सकता हूं। तो ये डिस्क्लेमर है, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग मेरे से अटैच होकर डायरेक्ट खरीद लेंगे इसलिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट डेफिनेटली एक स्टॉक है जो आगे चल के अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। UPL, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। अब UPL के बारे में बात करें तो कमेंट था भाई इस स्टॉक को लेना है तो कब ले लें, तो देखिए 675 बेस्ट लेवल है, खरीद लो। मतलब सिंपल है, आपको पेशेंस रख सकते हो, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर जानते हो कि कहते किसे हैं कि भैया इन्वेस्ट करके कल 650 हो जाए तो डरूंगा नहीं, वो होती है इन्वेस्टमेंट। 675 पे लेके हर सेकंड यार 676 हो गया, 674 हो गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो ट्रेडिंग है। अब ट्रेडिंग अगर आपका व्यू तो स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है और अभी नीचे जाता दिख रहा है, ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं कहां तक जा सकता है स्टॉक। तो स्टॉक में लोअर लेवल अराउंड 656 रुपीज तक के हैं, वहां तक में भी ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। बट स्टॉक अगर आप यहां लेते हो थोड़ा डिप मिले तो और लेते हो, थोड़ा डिप मिले और लेते हो, तो मुझे लगता है स्टॉक में ऊपर में आपको 750-770 तो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मे बी विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक बार जरूर दिखा देगा। और लॉन्ग टर्म में मेरा 900 रुपए का लक्ष्य है इस स्टॉक को लेकर आने वाले 1.5 से 2 साल के लिए, तो आप अगर ले सकते हैं वहां पे ऑलमोस्ट 40% समथिंग के रिटर्न हो गए, तो बढ़िया मेरे को लगता है, मुनाफा यहाँ से बना के दे सकता है। एग्रोकेमिकल में मार्केट लीडर है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं, इसको लेकर भी कुछ कमेंट्स थे। रिलायंस की बात करूं 2489 पे बंद हुआ है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको याद होगा 2240 पे रिकमेंड करा था 2650 के टारगेट के लिए। बेचना नहीं है इस स्टॉक को, अभी OMCs में तेजी बन रही है, बट ये स्टॉक टेक्निकली अच्छा दिख रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अभी आप ट्रेल करते चले अपने स्टॉप को लॉस को और बने रहे। इनफैक्ट मेरे पास कमेंट भी आया था कि भाई मैंने आपके कहने से लिया है, अभी स्टॉक में क्या करूं 2440 पे था, तो 2420 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था और बने रहने की राय दी थी। अभी तक भी वो राय कायम है, हालांकि ज्यादा मूव नहीं हुआ है मार्केट के साथ, बट बने रहिए। 2600 रुपए तक में भी स्टॉक आपके लिए जाता हुआ दिखेगा ट्रेडिंग व्यू से, और लॉन्ग टर्म टारगेट 2800 रुपए के रख सकते हैं। CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी,
इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। देखिए मार्केट में सीडीएसएल और एनएसडीएल दो ही डिपॉजिटरी हैं। सीडीएसएल मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा दिखेगा, लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे देगा। अभी मार्केट में उतनी पब्लिक नहीं है, जब बाजार में तेजी आती है ना तो लोग आते हैं, और जब लोग आते हैं तो बीएससी और सीडीएसएल ये स्टॉक भागेंगे। अभी स्टॉक में करेक्शन तो अच्छी खासी हो ही गई है, मुझे लगता है आप यहाँ पे है लेके बैठे रहो आराम से, 1500 रुपए आपको दोबारा देखने को मिलेगा और 2000 भी आएगा, समय लगेगा, लेकिन बेचना नहीं है लॉन्ग टर्म पर्पस से। शॉर्ट टर्म में कुछ लेना नहीं है, ट्रेड नहीं करना, शॉर्ट टर्म में अवॉइड करें। यस बैंक की बात करें, 15.85 रुपए पे क्लोजिंग आई है स्टॉक की। मैंने आपके साथ जब नंबर्स आए थे तब भी शेयर करा था कि 15 रुपए के आसपास खरीदना है इस शेयर को, और 15.50-16 रुपए का टारगेट होगा। स्टॉक में अभी भी वही है। अब आपके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूं, अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो 15.5 का स्टॉप लॉस रख ले, 15.85 की क्लोजिंग आज 15.50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है। स्टॉक में पहला टारगेट 16.20-16.65 के हो सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट हिंडाल्को, देखिए 380 से 400 के बीच में खरीदारी करनी है 480 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन इस कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं 24th में को। नंबर्स के बाद गिरावट हो सकती है क्योंकि नोवलीज के काफी खराब नंबर थे, और नंबर्स के बाद गिरावट होती है तो लेना है, और उससे पहले अगर स्टॉक ऊपर 420-440 चला जाए तो आप बेच भी सकते हो नंबर से पहले, और उससे पहले 380-400 के पास आए तो नंबर्स आने दो, उसके बाद कैश में उठा लेना, डरे बिना डरे मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टॉक दोबारा 440 और 480 जाएगा। HDFC बैंक में बहुत सिंपल कमेंट था कि भैया हम लेना चाहते हैं स्टॉप लॉस बता दो, तो ट्रेडिंग व्यू है आपका, स्टॉप लॉस जानना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू के स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 1644 का, लेके बैठ जाओ, और अगर लॉन्ग टर्म का पर्पस है लेके बैठ जाओ 2000 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके आपके स्टॉक्स पे वीडियो, होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।